आजकल हाथ रखने से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। इस हाथ में जादू है। ऐसा कौन सा तूने आविष्कार किया? सीधे मॉनिटर। मैं बचपन में कैसा था देख सकते हैं आप, और बुढ़ापे में मैं कैसे लगूंगा वो भी देख सकते हैं। मेरे कमाल को दिखाना। ए साहब के लिए मरंडा लेके आओ। इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में क्या बनूंगा वो भी दिखा दूंगा। आप देखने के लिए तैयार है क्या? मेरी उलझन को आप ही सुलझा सकते हैं। ये मेरे दोस्त का बेटा है, इससे मेरी बेटी की शादी होने वाली है। बचपन में ही दोनों की सगाई हो चुकी है। नो, बाल विवाह मैंने कराऊंगा, अंदर कर देंगे। सुनो, 18 साल पहले गायब हो गया था, अब कैसा दिखता है बताओ, और इसे ढूंढ निकालने का काम मेरा है। अरे इस लड़की को ढूंढ कर आप अपनी बेटी की शादी से करवाना चाहते हैं? मतलब आपकी बेटी मस्त चीज होगी? हे, तमीज से बात कर, नॉनसेंस। मेरी बेटी कौन है मालूम? इस शहर की ब्यूटी क्वीन है। बहुत कोमल है, अगर एक हाथ पड़ गया ना 32 ही बार आ जाएगी। जल्दी जल्दी, इस छोटे से बक्से के अंदर क्या है? यहाँ क्या कर रहे आप? दूल्हे को ढूंढ रहा था। फिर से आपने दूल्हा ढूंढने का काम शुरू कर दिया। आप चाहे कुछ भी कीजिए लेकिन वो वापस नहीं आने वाला। देखो। ऐसी शक्ल दिखाई कि जिंदा आदमी भी सारा मुर्दा हो जाए। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं हूँ ना। अरे रे, अरे रे, नहीं साहब, तो अरे साहब, ऐसे काम मत। सुनिए, हम लोग 24 घंटे अपने बेटे के बारे में सोचते रहते हैं। हमारा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। जहाँ आप दोनों का आशीर्वाद मुझ पे है तो मैं खुश रहूंगा माँ। दिल से बाहर आओ तुम, आज तुम रिहा हो रहे हो। दूसरों के गुनाह को पैसे के लिए कबूल करके अक्सर यहाँ आते हो, इसलिए तुम इस सेंट्रल जेल के लाडले बन गए हो। कल शाम जब कॉलेज के लफंगे लड़के लड़कियों को छेड़ रहे थे तब ये भी उनके साथ ही खड़ा था और इल्जाम इसके सर आ गया। अगर कोर्ट में ये साबित हो गया कि ये गुनहगार है तो एक कलेक्टर बनने के बजाय सलाखों के पीछे आ जाएगा बेटा। इसलिए मेरे बेटे का गुनाह तू अपने सर पे ले ले बेटा। ये तो लौंडिये का मामला है और केस में दम भी है। केस को रफा दफा करने के लिए कैश चाहिए है क्या? हाँ हाँ, कितना चाहिए बोलिए। यही फाइनेंस मिनिस्टर है। हार्ड कैश। मोती, ये तुम्हारा 50वां केस है, पता है तुम्हें? ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। अपुन ने NRI की मदद की अंदर जाके और 2 महीने की सजा हुई। सजा कम कर सकते हैं जज, अपुन का आदमी। ये जो केस है बहुत ही सीरियस है, कम से कम 1 साल। उस लड़की की हालत इतनी गंभीर है कि 4 साल की सजा होगी तुम्हें। क्या बोल रहे हैं? सच में मुझे नहीं मालूम था। नहीं मालूम लड़की की हालत कितनी बुरी है देखो। मैडम, जब जज साहब पूछेंगे तो उनसे ये कहना कि इसके पीछे उस कमीने मोती का ही हाथ है। वो रहा मोती। कसम से, ये सब मैंने नहीं किया। अपुन झूठ बोल रहा है। अपुन ने ये काम नहीं किया। छोड़ मुझे। अपुन कसम खाता, अपुन ने ये काम नहीं किया। अपुन उससे मिल के आता है 12 बजे, कोर्ट में रहना। अरे ये कोर्ट जाने के बजाय यहाँ कैसे आ गया? तूने मुझ पे हाथ उठाया ना, अब देख क्या हाल करता हूं मैं। इसकी हालत का जिम्मेदार अपुन नहीं है, वो है। सॉरी सर, सच्चाई क्या है हमें अभी पता चला। जिस रात कोई लड़की असली गहने पहनकर एकदम अकेली बिना किसी परेशानी के घर वापस पहुंचेगी, तभी हमारे देश को सही मायने में आजादी मिली, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। उस महात्मा ने क्या कह दिया, ये खुराफाती लड़की इतनी रात गए गहनों से शरीर को ढक के आजादी से घूम रही है। गांधी जी, आपने जो सपना देखा था ना, वो एक हद तक पूरा हो गया। मेरे ख्याल से बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। जय हिंद। अन्ना जी को या गांधी जी को? गहनों को तुम उड़ाना चाहते हो? इधर आ। देखो मैडम, तुम जैसा सोच रही हो वैसा मैं नहीं हूँ। तुम्हारे हेयर कटिंग से पता चलता है कि तुम चेन कटिंग वाले हो। अरे ये तो मेरा धंधा है। धंधा है? इसे धंधा कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? अबे क्या निकल रहे हो, उस तरह है क्या? हेलो, मैं रंगीला बोल रहा हूँ, मैं आफत में फंस गया हूँ, सारी मंडली आओ। ओ, तुम्हारी चोरों की मंडली इतनी फैल चुकी है, ग्रुप बना के नुक्कड़ नुक्कड़ जाके चोरी करते हो। ये लड़की तो तुम्हारी जन्म कुंडली बता रही है। तूने किस पर हाथ उठाया पता है? ऐसा रंगीला पर। पल भर में सारी पुलिस यहाँ आने वाली है। यू आर पुलिस सर? पुलिस? ये कोई मामूली केस नहीं है। इस केस से बचने के लिए सिर्फ एक रास्ता है। वो क्या? देखिए मैडम, आपने इसे मारा है, आपने इसे गाली दी है, लेकिन आपके बदले इसे सजा होगी। क्या मेरे बदले इसे सजा होगी? होगी होगी। किसने पुलिस पर हाथ उठाया? अपुन ने। तेरी ये मजाल पुलिस पर हाथ उठाया?
चल थाने। यहाँ क्या लिखा है पढ़ो। हैं? तमिलनाडु आई हो ना, खुद ही पढ़ लो, नीचे नाम भी लिखा है उसे ही पढ़। तेरी जात का है, कह रही है ना पढ़ना। ए जोर से पढ़ बे, इस मैडम का एक साइड का आउट है, मतलब कान का मीटर आउट है। नागिन का भरोसा करो मगर हस्ती लड़की का भरोसा ना करो। लड़की पर भरोसा नहीं है तुम्हें लेकिन नागिन पर है। हाँ बेशक। क्यों बे? ये मुंह और मसूर की दाल किस लड़की ने देखा और किसने तुम्हें धोखा दिया? तेरा नाम क्या है? नागराज। ओ तुम्हारा नाम नागराज है इसलिए नागिन पर भरोसा करते हो? तुम्हें नागिन पर कितना भरोसा है अब मैं देखती हूँ। ये अब साथ है या किसने कर रहे हो? ये किसी बदतमीजी है? अबे ओए तेरी पिटाई अगर मैं करूँ तो मेरी बदनामी होगी, औरतें मारेंगी तो होश ठिकाने आएगी। ओके मैडम स्टार्ट। ए कुछ मत कर, ये उनका एरिया है, कुछ ऊंच नीच होगी तो समस्या हो जाएगी। समस्या हो गई तो मेरे बदले अंदर जाने के लिए मेरा आदमी है ना। क्या सुना मैंने? यही तुम मेरे अपने हो। मैडम तेरी भी किस्मत बहुत अच्छी है, एक नहीं कई सारे नाग तेरे चक्कर लगा रहे हैं। अरे जल्दी आप का मूड आ गया। कम हो जाएगा? नहीं, वक्त आने पर जरूर कहोगे। मैं तुम्हें तहे दिल से चाहती हूँ, इसलिए दिल को काबू में रखो। आपके बेटे ने इतनी छोटी उम्र में सात समंदर पार करके अपने देश का सम्मान को बढ़ाया, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? डैडी डैडी ये सब मेरे डैडी का दिया एनकरेजमेंट का नतीजा है। अर्जुन ठाकुर की आंखों में धूल झोंककर जब भी बेटे से मिलने आता हूं तो मेरी उम्र घटती जा रही है और मेरा बीपी बढ़ रहा है। वो शैतान है, तुम्हारे बेटे की देखभाल मुझसे नहीं होगी। ऐसा मत बोलो गोपाल, मैं 18 साल पहले सिंसियर कलेक्टर हुआ करता था, चंदन तस्कर वीरभद्र के भाई वीर प्रताप को अरेस्ट किया था। वीरभद्र को भी अरेस्ट करने का प्लान बनाया। अच्छी तरह से जान लेगा वो कलेक्टर। हे, इस लड़के का तड़पता हुआ फोटो निकालो, एक फोटो उस कलेक्टर को भेजो, एक उसके बाप को भेजो। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। स्विमिंग में चैंपियन वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाला मेरा बेटा आज तुम्हारी लापरवाही से मौत से जूझ रहा है। जंगल में रहकर वो डाकू क्या क्या मांगेगा उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, और इसी वक्त उसकी सारी डिमांड को तुम पूरी करोगे और उसकी सारी डिमांड मेरे लिए थू। आई वांट माय सन। तुम्हारे बेटे को उसके चंगुल से बचाना मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, प्लीज कूल डाउन। क्या बोला और कोई नहीं मारेगा तो मेरा बेटा? नो मिस्टर, वो तेरे बेटे को मारे या ना मारे लेकिन अपुन तेरे बेटे जरूर मारेगा। आई विल किल हिम। जो दर्द अपुन भुगत रहा है वो तू भी भुगतेगा, भुगत रहा होगा बहुत जल्द। अर्जुन ठाकुर का बेटा गुजर गया, उसके बदले में वो मेरे बेटे की जान लेने आया, तब मेरा बेटा गुम हो गया, ऐसी अफवाह फैला के मेरी पत्नी को विश्वास दिला के बेटे को तुम्हें सौंप दिया। क्यों पता है, सोचा एक न एक दिन अर्जुन ठाकुर का मन बदलेगा और वो इंसान बनेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं बदलेगा। वो हर दिन अपने बेटे का मरण दिन समझकर मेरे बेटे से बदला लेने की सोच रहा है। हे, लगता है पागल है। ए, 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 मैं भी तब से देख रहा हूँ लड़कियों के चेहरे पर लाइट मार के उन्हें तंग कर रहे हो, ये कैसा स्टडी तेरा? सर ये मेरा सर नहीं है, पता नहीं तेरा स्टडी नहीं है। ए, कॉल पुलिस। सर आपको गलत फहमी हो गई है, वो तो हमारे लिए रखवाला है सर, वो हमारी मदद करेंगे तो हमारी पदोन्नति होगी सर। सर जी जिस दिन हमारी बोनी नहीं होती है ना
तो यही किसी के इल्जाम को अपने सर के ऊपर लेके 5-6 महीने जेल के अंदर बिताते हैं। शॉर्ट में कहूँ तो ये बलि का बकरा है। बलि का बकरा? जो दूसरों के लिए अपनी कुर्बानी देता है उसे बलि का बकरा नहीं तो क्या कहेंगे? देखिए सर, इस दुनिया में अपन का अपना कहने वाला कोई नहीं है। होश संभालते ही अपन जेल कोर्ट यही सब देखते आ रहा है। हाल ही में अपन ने किसी को दिल दे बैठा और अपन उसी की तलाश में जा रहा है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। तुम्हें कोई भी रिश्ता मिल जाएगा लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं मिलेगा। अगर उस रिश्ते को ठुकराओगे तो मैं तुम्हें पैसों से नहलाऊंगा। देखो सर, वैसे ये माता जी कौन है? वही तुम्हारी माँ है। सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि तुम मेरे दत्तक पुत्र हो। लोगों के सामने तुम्हें मेरे ओरिजिनल बेटे संतोष हो, क्योंकि अगर उसका बेटा इस जन्म में नहीं मिला तो वो दम तोड़ देंगी। सर, ये मोती जान दे देगा लेकिन राज नहीं खोलेगा। प्रीति डार्लिंग, अपन तेरे लिए आ रहा है। माँ जी, आपका बेटा मिल गया? हाँ हाँ, हमारा संतोष मिल गया। सच कह रहे? हाँ माँ जी हाँ, साहब की मेहनत और आपकी पूजा बेकार नहीं गई। सच कह रहा हूँ माँ जी। वही तुम्हारी माँ है। दामाद जी, जरा कोट उतारिये। किस लिए? ओहो, गायब हुआ बेटा जो घर वापस आता है, कोई दाग है, कोई निशान है, पुरानी पिक्चरों में ढूंढते हैं ना, ठीक उसी तरह। जल्दी से निकालिए। हमेशा फिल्मों में खोई रहती है। मेरा संबंधी कौन है? एक्स कलेक्टर। सिर्फ वो ही नहीं, सब कुछ चेक करके लाए होंगे। प्रीति कहाँ गई? प्रीति, मोती के अलावा मैं किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। ए प्रीति, ए मोती, मोती, सॉरी मोती, अचानक पिताजी मुझे यहाँ पर लेके, अगर मैं तुम्हें बता भी नहीं सकी, अभी भी मैं तुमसे मिलने के लिए निकल रही थी। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। चलो चलो। किस लिए? किस लिए? यहाँ पे एक बेवकूफ दूल्हा बनकर आया हुआ है, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी इसलिए। हे, कोट सच में बहुत स्मार्ट लग रहे हो। मामा ने दिया है। हाँ? मेरे मामा ने? ये क्या बोल रहे हो? बेटे के लिए बाप ही तो खरीद के देता है। मतलब मूर्ति संतोष? खुशियाँ कैसे आएंगी भला? उसकी खुशी इस कैसेट को देखने में ही है, इसी भी तूने नहीं भेजा। सर, मैं पहले ही उसे भेज चुका हूँ। कोई तुमने गलत कैसेट भेज दिया। दूसरा कौन सा कैसेट भेजा तुमने? संतोष, तुम्हारे पापा ने कैसेट कब आया? आज सुबह। तुमने जो कैसेट भेजी उसे देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। अब डुप्लीकेट को मारने के लिए वो इंडिया आ रहा है। गोपाल, उसको घर का पता मालूम नहीं है? घर का पता तो ढूंढ ही लेगा। अब वो जब भी तुम्हारे पास पहुंचेगा तुम ही उसे संभालना। डन। जैसा आपने कहा, कार में बम फिक्स कर दिया सर। वेरी गुड। कल वो प्रोग्राम के मुताबिक अपने ससुर की दी हुई गाड़ी में मंदिर जाने वाला है, लेकिन मंदिर पहुंचने में 30 मिनट लगेंगे, मगर हमारे बम का धमाका 20 मिनट पहले ही हो जाएगा। उसकी कार को तुम फॉलो करो। जब तक उस कार में बम नहीं फटता, हम इस वैन से फॉलो करते रहेंगे। अरे आए। हाँ, ये तो स्टीरियो प्लेयर चुराने वाला चोर है, ये कैसे यहाँ? ओए, ओए, ओए! मुंबई में जब तेरी दाल निकली तो चोरी करने के लिए यहाँ भी पहुँच गया तू। उसे अंदर रख। अरे आप ही रख दीजिए ना। मुंह तोड़ दूंगा, तू ही रख। मैं ही रखू? जल्दी रख। क्या है, क्या है? क्यों सर, आपकी गाड़ी है। ओए, आपकी गाड़ी से चोरी कर रहा था इसलिए मैंने उसे पकड़ा। आगे से सावधान रहिए। ऑल द बेस्ट। अरे यार, कार में रखा बम फट गया तो अपनी गाड़ी भी उड़ जाएगी। कार रिवर्स लो, रिवर्स लो। बाय बाय। संतोष, मेरी फ्रेंड्स मुझे देख रही है, उन्हें जलाने के लिए मुझे जोर से एक पप्पी दो। पप्पी ना? अभी देता हूँ।
यार देखा तुमने, हमने जो बम फिक्स किया बहुत पावरफुल है। उस कार में जो बम है उसकी बीप साउंड यहाँ सुनाई पड़ रही है। सर कामयाब, बम फट गया। लेकिन हमारी कार में क्या? मिस्टर रामनाथ, वो लड़का आपको धोखा दे रहा है या फिर आप उसे धोखा दे रहे हैं, यही मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर शंकरलाल कभी हार नहीं मानेगा। क्या बक रहे हो? सारे टेस्ट में पास होने के बाद ही उसे बेटा माना है। तुम मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो, वही मेरा बेटा है। दो बार उस रामनाथ का बेटा मेरे हाथों से बच गया। इस बार उस लौंडे का मेरे हाथों से बचना मुश्किल है। टपका दूंगा। तू तो एयरपोर्ट में मिला था ना मुझसे। मैं तो शिकार करने आया था, तूने मेरा शिकार कर दिया। अरे मेरा निशाना तू नहीं, तू तो गलती से मेरे दायरे में आ गया था। मौत आएगी तो आएगी जरूर, उसे कौन रोक सकता है। तुझे मरने नहीं दूंगा, तू तो मेरे बेटे जैसा है। इसे उठाओ जल्दी जल्दी, मेरी घड़ी से अस्पताल में लेके जाओ। जाओ, मैं भी पीछे ही आ रहा हूँ। सोचा ही नहीं था। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। वो आप लोगों के दुश्मन नहीं है। आपको नहीं पता, वो दरअसल मुझे ही मारना चाहते थे। उस कमीने ने अगर मुझ पे वार किया होता, मुझसे भूल हो गई। अपुन को तुम पे गुस्सा जरूर था, लेकिन अपुन तुम्हारी जान का दुश्मन क्यों बना, कारण तुम जानते हो क्या? एक बंदे ने तुम्हारी सुपारी दी 10 लाख रुपए। आज बाजार में तेरी जान की कीमत बहुत है यार। ना जाने कौन बाजी मार ले जाएगा। देखो तुम्हारी जीवन रेखा भी कटी हुई है, संभल गए रहना मेरे यार। कौन है वो? लाखों की सुपारी देने वाले का नाम ठाकुर, अर्जुन ठाकुर है। अर्जुन ठाकुर, सर जी वो लैमिनेशन फोटो दीजिए ना, मेरी रामनाथन साहब से एक डीलिंग जो है। रामनाथ? कौन सा रामनाथ? एक्स कलेक्टर रामनाथ। उससे तेरी क्या डीलिंग है? वो फोटो वाला लड़का है, उसका बेटा है। तो फिर बाहर जो लौंडा फाइट कर रहा वो कौन है? ये तो फ्रॉड है साहब, ये उसका ओरिजिनल बेटा नहीं है, और कलेक्टर को भी मालूम है कि उसका बेटा नहीं है। इसलिए जब मैं उनके घर फोटो लेकर गया तो उन्होंने कहा कि ये कहीं भी हो उसे ढूंढ कर दिखाओ, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा बोला साहब। ले जा। किसे फ्रॉड का बात सुन, उनके कहने पर ही उनका बेटा बनके उनके घर गया। आज तक मैं दूसरों के लिए बलि का बकरा बनता रहा, लेकिन मैंने गद्दारी कभी नहीं की। बलि का बकरा, मेरे बेटे को मरवाने वाले उसी रामनाथ ने तो जैसे बेवकूफ को मरवाने के लिए मेरे पास बलि का बकरा बनाकर भेजा है। मुझे मरवाने के लिए यहाँ लेकर आया है, कोई बात नहीं, मगर माँ मुझे ही अपना बेटा समझती हैं। अर्जुन ठाकुर के हाथों मुझे कुछ हो गया तो माँ भी मर जाएंगी, तो आप क्या करेंगे? तब मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी, सोचा कि तू यहाँ आते ही अर्जुन ठाकुर तुझे मार देगा और ऊपर वाला तुझे हमेशा बचाता रहा।
सच बोलूं तो तू ही मुझे तड़पा तड़पा के मार रहा है प्यार से। बस कीजिए, बहुत हो गया। ये क्यों इतने अपसेट है? मैंने जाके अपने पापा से पूछा तो उन्होंने मोती से मिलने के लिए साफ इनकार कर दिया। उन्होंने हम दोनों के प्यार को नहीं समझ पाए, इसलिए हम आपके पास आए। यहाँ आकर पता चला कि आप इंसान नहीं पत्थर हैं। मेरे पापा तो सिर्फ प्यार का कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन आप तो इंसान का कत्ल करना चाहते हैं। बोलो बेटा। पापा, मैं आफत में हूँ। आफत? किससे? पूछ रहा है कि आफत किससे है पार्टनर? इस शहर में आपके अलावा मेरा और कौन है पार्टनर? मैं आपका नाम बोल दूं क्या? कहना कि अर्जुन ठाकुर से। पापा, अर्जुन अर्जुन ठाकुर से ही आफत है। अर्जुन ठाकुर? हाँ पापा। हैं? कहाँ आने के लिए बोलूं पार्टनर? रेस कोर्स के पास आने के लिए बोलो उसे। रेस कोर्स में आ जाइए डैडी, मैं वहाँ इंतजार करूंगा। डैडी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ। आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो तेरे जैसे हर धोखेबाज बाप के लिए एक सबक होगा। नहीं संतोष, मेरी बात सुनो। इतने सालों से मैं तुमसे अलग रहा, इसका कारण ये अर्जुन ठाकुर ही है। हाँ बेटे, यही 18 साल से तुम्हें मारने की कोशिश में है। फंडा दे रहा पार्टनर। नो संतोष, मैं तेरा बाप हूँ। संतोष, संतोष, अर्जुन ठाकुर! सर, माँ आ रही हैं, उनसे कुछ मत बोलिए। तुम जैसे बेटे को पाकर वो बहुत खुश है बेटा। उसकी खुशियों को उजाड़ना नहीं चाहता। इस मनहूस बेटे के बारे में मुझे कभी मत कहना। तुम सिर्फ उसके ही बेटे नहीं, इस पल से तुम मेरे भी बेटे हो। मेरी गलती की सजा मुझे भुगतने दो। सर, आज तक दूसरों को बचाने के लिए मैं जेल जाता रहा, पहली बार अपनों के खातिर मैं जेल जा रहा हूँ। मुझे जाने दीजिए, मुझे रोकिए मत। संतोष, क्या हुआ बेटा? उफ़, कौन है ये आदमी? इसको मैंने मारा है। क्या कहा? तूने मारा? हाँ विद्या, इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इसे आजीवन हमारे साथ रखने के लिए इस बकरे की बलि चढ़ानी पड़ी। संतोष, बेटा, मैं समझ सकता हूँ यहाँ क्या हुआ होगा। तुम्हारे वापस आने तक मेरी बेटी इंतजार करती रहेगी।